यू वॉचिंग रितू हांडा। तो गाइज आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली मैं ड्राई स्किन वालों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए उनका CTM। तो गाइज जो मैं आज CTM ड्राई स्किन वालों के लिए शेयर करने वाली हूँ वो CTM मैं एवरीडे में यूज़ करती हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है ना मैंने अपने पे बहुत बार यूज़ किए हुए हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये मेरे एवरीडे रूटीन के प्रोडक्ट है, स्किन केयर के प्रोडक्ट है। मैं इनको एवरीडे में अपने CTM के लिए यूज़ करती हूँ, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और ड्राई होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं कुछ ऐसा वैसा प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ कर लेती हूँ ना तो मेरी स्किन एकदम से ख़राब हो जाती है। तो गाइस इसलिए मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मुझे उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और मैं वो प्रोडक्ट आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर आप ये जो प्रोडक्ट है अपने पे यूज़ करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ कर रखा है इन प्रोडक्ट्स को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए, तो मैं बोलती रहूँगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आए या आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में भी ज़रूर बताना, और प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अपने CTM के बारे में, CTM क्लेंजिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजिंग। अगर आप अच्छे स्किन केयर चाहते हैं तो ये तीन स्टेप आपको एवरीडे में ज़रूर यूज़ करने चाहिए। तो गाइस आज मैं CTM के प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। दूसरी बात, मतलब मैं इतनी श्योरली आपसे बात कर रही हूँ, आपके मन में एक बार आ सकता है कि ये वीडियो कहीं स्पॉन्सर तो नहीं है। तो गाइस अभी ये मेरी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरे खुद के प्रोडक्ट्स हैं और मैं खुद इनको बाय करती हूँ और खुद पर यूज़ कर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनजिंग के लिए मैं आपको दो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं दो प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती। मैं हर मतलब CTM के इतने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा यूज़ करे कौन सा ना करे, हमारी स्किन पे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसलिए मैं क्लिनजिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजर के सिर्फ दो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ क्लिनजिंग की। क्लिनजिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ बायोटेक का एडवांस आयुर्वेदा बायो हनी जेल रिफ्रेशिंग फॉर्मिंग फेस वॉश। तो गाइस ये हनी फॉर्मिंग फेस वॉश है बायोटेक का। तो ये बहुत अच्छा है आपकी ड्राई स्किन के लिए, क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। और ये 100 ml का प्रोडक्ट है और इसकी MRP है 120 rupees। और आपको पता है बायोटेक के जो प्रोडक्ट है वो पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, इसलिए आपकी स्किन पर हार्म नहीं करते। तो ये है बायोटेक का हनी जेल फेस वॉश। तो गाइस आपको एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। तो उसके बाद क्लिनजिंग के लिए जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो है मेरा गुड वाइब्स का हनी मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश। तो गाइस एक्चुअली हम ड्राई स्किन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम वही प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ जो कि एक्चुअली ड्राई स्किन के लिए है। तो गुड वाइब्स का हनी फेस वॉश, जो कि स्पेशली मॉइस्चराइजिंग के लिए है। इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल भी स्किन पे खिंचावट नहीं आती और बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन को क्लीन करता है। तो गाइस ये है फेस वॉश, और इसकी MRP आपको मैं बता दूँ 199 है इसकी MRP, और 120 ml का है ये प्रोडक्ट। तो इस टाइप की बॉटल में आता है और इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, और स्मेल वाइज भी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये दो क्लिनजर्स, तो बायोटेक का हनी और साथ में गुड वाइब्स का हनी। तो गाइस ये आपको एक बार ज़रूर यूज़ करने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और अफोर्डेबल है। और उसके बाद टर्न आती है हमारे टोनर की। तो टोनर में मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ द नेचुरल वॉश का कुकम्बर टोनर, जो कि आपकी स्किन को टोन अप करता है, रिफ्रेश करता है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। नेचुरल वॉश के जो प्रोडक्ट है वो भी पैराबेन फ्री है, और इसलिए आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्म नहीं करते। और इनकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत लाइट स्मेल है, और कोई भी कलर इनमें ऐड नहीं है। तो गाइस ये है मेरा टोनर जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, द नेचुरल वॉश का कुकम्बर टोनर। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, स्मेल वाइज भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और दूसरा जो मेरे पास टोनर है वो है गुड वाइब्स का कुकम्बर ग्लो टोनर। तो क्योंकि समर चल रही है इसलिए मैं आपको कुकम्बर के टोनर ही आपको रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट करते हैं। तो ये है कुकम्बर टोनर, और इसका मैंने आपको वेट नहीं बताया, इसका वेट है 100 ml की क्वांटिटी है इसकी,
और ये है इसका MRP है 280 rupees। लेकिन आपको पता है कि पर्पल पे या नायका पे सेल चलती रहती है, ये दोनों जगह आपको मिल जाएगा, तो उसमें आपको ये 250-230 के नियर अबाउट आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। और इसकी जो इसके जो वेट है ये है 120 ml का प्रोडक्ट है, और इसकी जो MRP है वो है 195। लेकिन आपको पता है वहाँ पर इसमें बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स आती रहती है, और ये भी आपको 150-140 के नियर अबाउट बहुत आराम से मिल जाता है। तो गाइस ये है मेरे टॉनर्स जो कि है दोनों को कंबर में, क्योंकि समर चल रही है और ये आपको स्किन को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट करेंगे। तो आपको ये स्टेप कभी भी टॉनर्स को कभी भी मिस नहीं करना है। क्लिंजिंग के बाद आपको टॉनिंग करनी ही करनी है, करने वाली हूँ वो है हमारा मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि क्लिंजिंग भी हो गई, टॉनिंग भी हो गई और मॉइस्चराइजिंग में सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मेरा निविया सॉफ्ट स्पॉटी कॉलर्स एडिशन। आपको पता है इसके आजकल कुछ एडिशन आए हुए हैं, तो निविया सॉफ्ट क्रीम जो है वो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी समर्स में बहुत अच्छी रहेगी और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा और लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसको मैंने बाय किया 90 रुपीज़ में। 50 ग्राम का प्रोडक्ट 90 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपके साथ साथ ये आपकी पूरी फैमिली यूज़ कर सकती है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट मॉइस्चराइजर है तो जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है मेरा बायोटेक का एडवांस आयुर्वेदा बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबल फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर। ये है बायोटेक का नेक्टर मॉइस्चराइजर। तो गाइस एक बार आपको ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए है। तो इसकी जो MRP है ये कुछ 190 रुपीज़ का MRP है इसकी। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो मॉर्निंग नेक्टर बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर एंड निविया सॉफ्ट। ये थी मेरी दो रिकमेंडेशंस। तो अगर आप ऑयल यूज़ करते हो तो मैं ऑयल के लिए आपको प्लम ग्रेप सीड बकथ्रॉन ग्लो रिस्टोर फेशियल ऑयल। तो गाइस वैसे ये समर्स में थोड़ा सा मैं कम यूज़ करती हूँ, लेकिन ये ऑयल बहुत अच्छा है फॉर ड्राई स्किन के लिए। अगर मॉइस्चराइजर की बात हो रही थी तो मैं इसको नहीं भूल सकती थी, क्योंकि इस फेशियल ऑयल को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी समर्स चल रही है ना, इसको अभी थोड़ा सा मैंने इसको डिले में रखा हुआ है, बाकी मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मुझे रानी गया आपसे शेयर करते। ये थोड़ा सा प्राइसी टॉन में है, ये 650 का प्रोडक्ट है, बट अगर आप ड्राई स्किन से है, अगर आप विंटर्स में, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है प्लम का ग्रेप सीड बकथ्रॉन ऑयल फेशियल ऑयल। तो CTM जो मैं आपसे आज शेयर किया है, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और अगर आप इसको यूज़ करते हो आप बिल्कुल भी डिस्पॉइंट नहीं होगे, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी। तो गाइस बस ये था मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और।